गाइस, मैं रोहित शर्मा और आज पहला ब्लॉग है इस चैनल का। तो आज हम आए हैं अभी गाइस गोम्पा में और अभी हम जाएंगे बुद्धा मॉनेस्ट्री में और अभी जाएंगे हम नगर के और भी नगर कैसल वगैरह दिखाऊंगा। तो चलो अंदर चलते हैं। मेरे साथ हैं हिमांशु, वो देख सकते हैं आप। ऊपर नहीं जा सकते वो देख सकते हैं आप कितनी बड़ी मूर्ति है यहाँ पे। सो ये मनाली रोड में आता है तो नगर रोड में नगर रोड पे आता है ये। तो अब आ सकते हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे मोनेस्ट्री है ना, जो यहाँ पे मोनेस्ट्री है इसका जो मेजर कंसेप्ट है वो यहीं से लिया गया है। पटोला पैलेस है तिब्बत में जो इनकी मोनेस्ट्री है ना वो यहाँ से ली गई है। वापिस जा रहे हैं तो ये नीचे जाने का रास्ता, मैं आपको नीचे से भी एक व्यू दिखाऊंगा पूरा। क्या करते हैं आप मॉनेस्ट्री में, मतलब क्या डेली रूटीन है आपके यहाँ पे बताएंगे? हम लोग मतलब पहले तो 5:30 बजे में उठ जाते हैं ना, तो उसके बाद मुंह थोड़ा धोते हैं, ब्रश करते हैं, फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं वो, फिर यहाँ में वो मारते ना घंटी, हमने देखा वो ऊपर बढ़ जाता है, वो मारते ना, तो उसके बाद में फिर पढ़ने जाना पड़ता है सबको, मेमोरी के लिए याद करते ना। तो जो मैं अब पूजा करने टाइम में वो ग्रंथ वगैरह बोलने पड़ते हैं ना मुँह से, तो वो वगैरह याद करते हैं। फिर उसके बाद में फिर 7:30 बजे तक पढ़ते हैं ना, वो याद करते हैं। फिर उसके बाद में फिर खाना खाते, ब्रेकफास्ट खाने के बाद तब फिर उतना तक 8:30 बजे तक उतना हो जाते ना, तब 8:30 बजे तक खाना खाने के लिए। तब अभी ऊपर में एक अलग है ना, और नीचे स्कूल में थोड़ा अलग है ना, स्कूल में मतलब स्कूल एक 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 ऊपर का अलग है ना, मॉनेस्ट्री में अलग पढ़ाते हैं और स्कूल में अलग पढ़ाते हैं। तो अभी मॉनेस्ट्री का पढ़ेगा तो वो लोग तो ऐसे कोई अपने अपने क्लास जाते हैं ना बीच में अपने टाइम पे, जहाँ में टीचर अपने रूम में बैठा हो तो सब अपने अपने वहाँ से जाएंगे क्लास में, उनके लिए डिबेट पढ़ने के लिए वो जाएंगे वहाँ में, तो टीचर उनको वो सिखाएगा।
और बस वो आ जाएगा ना जो स्कूल होगा स्कूल में, मतलब वो पढ़ते हैं जो मतलब बाकी स्कूल्स के लोग बच्चे पढ़ते हैं वो ना। हाँ वो तो 8 बजे तक पढ़ेंगे, फिर 8 बजे से 9 बजे तक सेल्फ स्टडी, फिर 9 से 15 तक वो प्रेयर, वो असेंबली, उसके बाद फिर 11:30 बजे तक क्या ब्रेक, 11 बजे तक पढ़ेंगे, फिर 11:30 तक ब्रेक, फिर उसके बाद वो फिर वापस पढ़ाई ना, फिर 12 बजे जो अभी का टाइम है ना 12 बजे उसमें लंच करने जाएंगे 1 बजे तक, फिर 1 बजे थोड़ा आराम, फिर 1 से 3 बजे तक वो मतलब वापिस पढ़ाई शुरू से स्कूल, फिर बच्चों लोग हमारे लिए ऊपर का अलग है, वो लोग को थोड़ा ब्रेक मिलता है 3 बजे तक ना, फिर अभी हम लोग को बोलेंगे तो नीचे तक वो पढ़ेंगे, फिर 3 बजे से 4 बजे तक वो मतलब नहाना धोने के लिए, सफाई करने के लिए, वो रूम साफ वगैरह करने के लिए, फिर उसके बाद से 4 बजे से 5 बजे तक वो डिबेट पढ़ने जाएंगे हम लोग स्कूल के बच्चे। डिबेट करते हैं, डिबेट किस टॉपिक में, ऐसे टॉपिक्स स्कूल सब कुछ के लिए मतलब सब एक एक करके हो जाना, हमारे रूल्स क्या है वो सब के लिए, फिर उसके बाद में 5 बजे तक वो करेंगे, फिर 5 बजे से जो आशु को बोला मेमोराइज वो वापिस, वो शुरू से वापिस 6 बजे तक, फिर 6 से 7 बजे तक खाना खाने में, फिर वापस और डिनर है ना उतना तक हो गया, फिर उसके बाद से डिनर के बाद फिर 7 बजे से 8 बजे तक सेल्फ स्टडी दोबारा से, हाँ दोबारा रात को एक होती है ना, एक दिन को होती है, एक रात, एक सुबह होती है, एक रात को होती है, फिर उसके बाद 8 बजे के बाद फिर वापस अब डिबेट जो सीखा है ना तो अब वो दिखाना पड़ते ना, मतलब वो प्रैक्टिस कर देना, हाँ प्रैक्टिस कर देना अपने साथ में, बच्चे 2-3 बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, इतना हफ्ते में 4 बार वो क्या बोलते 3 बार वो करते हैं, और 2 बार जो हम लोगों ने मेमोराइज किया ना तो उसको वो मतलब रिकॉर्ड करते हैं उसको वापस, ताकि भूल ना जाए, फिर उसके बाद में ऐसा करके 11 बजे तक वो पढ़ते हैं ना वापस, फिर 11:30 से 11:30 तक अपना जो होमवर्क वगैरह होता है ना स्कूल का, हाँ वो करते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा पूजा पाठ करके थोड़ा प्रार्थना करके फिर सो जाते हैं। ठीक है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आप बोलना चाहते हैं? सिर्फ बच्चे छोटों के लिए, अच्छा ये छोटों के लिए, जो ऊपर जो बड़े हैं उनका अलग है, उनका भी उनका रूल, वो लोग का अलग है ना हमारा अलग है स्कूल। ठीक है, फिर आपसे मिलके अच्छा लगा, ठीक है छोटे, ठीक है बाय। सो बच्चों को पूछने के बाद अभी हम जा रहे हैं नगर कैसल की ओर, और आ गया है हिमांशु भी आ गया, तो अब हम नगर कैसल की ओर जा रहे हैं, लास्ट व्यू नीचे से नगर कैसल, हाँ नगर कैसल, सो ये है लास्ट व्यू आपका, और अभी हम जा रहे हैं, तो ठीक है आप नगर की ओर मिलते हैं।
यहाँ पे आप होटल वगैरह बुक कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक आप अगर आप यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं तो आप यहाँ होटल बुक कर सकते हैं, बहुत अच्छे होटल हैं आपके, तो आप होटल सामने आपके अवेलेबल।